सब्सक्राइब करें एनी स्टाइल चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। गाइस, इस तरीके से साड़ी को हम अच्छे से टकिंग कर लेंगे। जिस तरीके से हम नॉर्मल साड़ी पहनते हैं उस तरीके से हम इसे अच्छे से टकिंग कर लेंगे। और इस तरीके से रफ साड़ी की प्लेटें बना लेंगे एंड इन्हें बैक से ले जाते हुए फ्रंट में इस तरीके से लाएंगे और जितना आपको पल्ला चाहिए उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। और गाइस, इस तरीके से साड़ी की प्लेटें सेट कर लेंगे। इस तरीके से साड़ी की बारीक बारीक प्लेटें बना लेंगे। गाइस, इस तरीके से प्लेटों को सेट करते हुए उन्हें अंदर अच्छे से टक कर देंगे। आप चाहे तो इसे पिन से सिक्योर भी कर सकते हैं, बट ये नेट की साड़ी है इसलिए मैं यहाँ पर पिन नहीं लगा रही हूँ। एंड गाइस, आप चाहें तो इस तरीके से ओपन पल्लू को भी आप साड़ी रख सकते हैं, ये भी बहुत ही सुंदर लगेगी। क्योंकि ओपन पल्लू रखने से क्या है, इसका जो वर्क है और ये जो लेस दिख रही है वो दिखेगी। इसे इस तरीके से प्लेट बना लें। इस तरीके से इन्हें सेट करते हुए पिन से सिक्योर कर देंगे। सो गाइस, अगर आपको ये लुक अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से भी साड़ी को पिनअप कर सकते हैं। गाइस, सेकंड स्टाइल में भी हम साड़ी को इस तरीके से बारीक बारीक प्लेटें बनाते हुए टक करेंगे। जिस तरीके से हम लहंगा साड़ी पहनते हैं उस तरीके से बारीक प्लेटें बनाते हुए इन्हें पूरे तरीके से हम अंदर टक कर देंगे। ये स्टाइल भी बहुत ही यूनिक है, आप इस टाइप का स्टाइल जरूर ट्राई करना, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये आपका एक तो लहंगा स्टाइल भी लगेगा, साथ ही आपको बंगाली स्टाइल लुक भी देगा। तो आप इस तरीके से भी किसी पार्टी वगैरह में साड़ी पहन सकते हैं। इस तरीके से अंदर टक करते हुए साड़ी की प्लेटें बना लेंगे। इस तरीके से साड़ी का जो पल्ला है उसकी प्लेटें सेट कर लेंगे। एंड गाइस, इसे इस तरीके से रखते हुए हम अच्छे से सेट कर देंगे। और आप जहाँ तक हो सके साड़ी का पल्ला लंबा ही रखना, जिससे इसका जो लुक है वो बहुत ही सुंदर आएगा। इस तरीके से आपकी एक बंगाली टाइप साड़ी भी तैयार हो जाएगी। किसी पार्टी वगैरह में अगर आप जा रहे हो तो आप इस तरीके से जरूर साड़ी पहनना, ये लुक बहुत ही सुंदर लगता है। और इस तरीके से पिन से सिक्योर कर देना। आगे का जो आपका बच्चा है उसकी भी आप बारीक बारीक प्लेटें बना लेना। इस तरीके से प्लेटें बनाते हुए इन्हें आपको गई साइड में टक करना है। इस तरीके से टक कर लेना, जिससे जो आपका लुक है वो बहुत ही सुंदर आएगा। गाइस, जिस तरीके से हम नॉर्मल साड़ी अंदर टक करते हैं उसी तरीके से ही साड़ी को भी टक कर लेंगे। और इस तरीके से साड़ी के पल्ले का जो कॉर्नर होता है उस कॉर्नर को लेते हुए इस तरीके से ऊपर इनसे सिक्योर कर देंगे। इस तरीके से हम पुन लगा देंगे। इसकी हम इस तरीके से प्लेटें बना लेंगे।
तरीके से साड़ी को लेते हुए साड़ी की बारीक बारीक हम प्लेटें बना लेंगे। एंड गाइस, इस तरीके से प्लेटें बनाते हुए उन्हें अंदर टक कर देंगे। आप चाहे तो पिन से सिक्योर कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर पिन से सिक्योर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नेट की साड़ी है और इस तरीके की साड़ी का क्या होता है, बहुत जल्दी फट जाती है। एंड गाइस, इसे इस तरीके से आप बैच लगाइए, इससे आपका जो लुक है वो बहुत ही सुंदर लगेगा, साथ ही आपकी एक मैक्सी ड्रेस लगेगी। तो किसी पार्टी वगैरह में अगर आप कुछ डिफरेंट दिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जरूर साड़ी को पहन सकते हैं।